माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके प्रोग्रेस बार चार्ट क्रिएट करना। यहां जिस भी पैरामीटर की परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो उस पैरामीटर का प्रोग्रेस यहां बार चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर प्रोडक्टिविटी है 20%, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी प्रोग्रेस दिख रही है 20%। मान लीजिए हम यहां पर कर देंगे 40, आप देखेंगे यहां पर 40% प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट हो गई है। इसी तरह से यदि हम यहां कवरेज को कर देते हैं 60%, तो आप देख सकते हैं ये बार चार्ट पर प्रोग्रेस शो हो गई है। जो भी परसेंटेज आप यहां पर एंटर करेंगे पैरामीटर का, उसका प्रोग्रेस बार चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए हम कर देंगे 90%, तो आप देख सकते हैं यहां पर बार चार्ट पर प्रोग्रेस शो हो गई है। विशेष बात यह है कि इन प्रोग्रेस बार चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए एक्सेल चार्ट का उपयोग नहीं किया गया है, इन्हें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से क्रिएट किया गया है। कैसे क्रिएट करना है इनको, आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर पैरामीटर नेम और परसेंटेज टाइप कर लेंगे। तो यहां पर हम D3 सेल में फर्स्ट पैरामीटर का परसेंटेज टाइप कर लेंगे। तो पहले हम इस सेल को यहां परसेंटेज फॉर्मेट में कर लेंगे और इसमें कोई भी परसेंटेज टाइप कर लेंगे। यहां पर हम टाइप कर देंगे 40 और इस सेल की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में करेंगे, बोल्ड करेंगे और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, 14 रखेंगे। और यहां इंसर्ट पर जाएंगे, यहां शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से ये रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम पैरामीटर नेम टाइप कर देंगे। फर्स्ट पैरामीटर है हमारा प्रोडक्टिविटी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर लेंगे, यहां से सेंटर में अलाइन कर देंगे। यहां शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर कलर चेंज कर देंगे, ये कलर लेंगे हम। शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे। अब ये परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ये ऑल बॉर्डर्स। तो यहां पर हमने फर्स्ट पैरामीटर नेम और परसेंटेज टाइप कर लिया है। अब हम यहां पर प्रोग्रेस बार चार्ट क्रिएट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से। तो इसके लिए हम यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे कॉलम F तक और यहां मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे। अब यहां पर हम इस सेल में ये परसेंटेज वाली सेल का डायरेक्ट रेफरेंस दे देंगे। इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और ये परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। अब जो भी परसेंटेज यहां इस सेल में लिखा होगा वो सेम यहां पर भी रिफ्लेक्ट होते रहेगा। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम बोल्ड कर देंगे इसको, जो वैल्यू है यहां पर, और सेंटर में लाइन कर देंगे, थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, 16 रखेंगे। अब यहां पर हम बार चार्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। तो यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहां डेटा बार्स पर क्लिक करेंगे और यहां मोर रूल्स पर क्लिक कर देंगे। उस तरह का विंडो यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर देखिए ये मिनिमम के नीचे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहां हम सेलेक्ट करेंगे नंबर और देखिए ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहां पर 0 है, इसको 0 पर ही रहने देंगे। अब यहां मैक्सिमम के नीचे जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर भी हम सेलेक्ट करेंगे नंबर और यहां वैल्यू में हम करेंगे 1। यहां से हम कलर चेंज कर देंगे, जो भी प्रोग्रेस बार का कलर हम रखना चाहते हैं। तो यहां पर हम कलर लेंगे ये ग्रीन और यहां पर यदि आप बॉर्डर भी रखना चाहते हैं बार पर, तो इसके लिए हम यहां बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, सॉलिड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहां से कलर चेंज कर देंगे। हम यहां पर कलर लेंगे व्हाइट। अब देखिए एक ऑप्शन है यहां पर शो बार ओनली, यदि आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो जो भी डेटा आपके चार्ट में होगा वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यदि इसको अनचेक रखेंगे तो रिफ्लेक्ट रहेगा। हम इसको अनचेक ही रखेंगे और यहां से ओके करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये जो प्रोडक्टिविटी परसेंटेज है 40%, ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यहां पर हम ये चार्ट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कोई लाइट कलर फिल करेंगे। तो यहां फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर हम ले लेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये चार्ट के चारों तरफ बॉर्डर भी आ जाए, तो इसके लिए यहां बॉर्डर्स पर जाएंगे और मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और बॉर्डर हम सेम कलर का लेंगे,
यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे ये विड्थ और यहां कलर पर जाकर सेम कलर लेंगे और यहां पर हम ये आउटसाइड बॉर्डर क्रिएट कर देंगे, यहां से ओके कर देंगे तो इस तरह का बॉर्डर यहां पर आ जाएगा। फर्स्ट चार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है प्रोडक्टिविटी के लिए। अब दूसरे चार्ट के लिए हम यहां पर इस चार्ट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां इस सेल में कंट्रोल वी द्वारा इसको पेस्ट कर देंगे तो यहां पर ये चार्ट पेस्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रोग्रेस जीरो दिख रही है क्योंकि ये चार्ट अब यहां J3 सेल से कनेक्टेड है, ये आप यहां फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। और ये जो J3 सेल है ये अभी ब्लैंक है, यहां पर कोई भी परसेंटेज अभी नहीं लिखा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां J3 सेल में इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी द्वारा। आप देख सकते हैं यहां पर भी प्रोग्रेस शो हो गई है। देखिए आप इसको किसी भी सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर हमने J3 के साथ ही कनेक्ट किया है, यहां पर इसे आप किसी अन्य सेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि इस सेल को सेलेक्ट करें, जिस सेल से कनेक्ट करना है उसका सेल रेफरेंस दे दें। मान लीजिए हमें यहां पर इस सेल को कनेक्ट करना है M3 सेल को, तो यहां पर हम M3 टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे तो अब ये M3 सेल से कनेक्ट हो गई है। अब यहां पर क्योंकि अभी कोई भी परसेंटेज नहीं लिखा है तो प्रोग्रेस आ गया है जीरो। यहां पर हम जैसे ही परसेंटेज टाइप करेंगे तो यहां पर परसेंटेज प्रोग्रेस बार पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहां पर मान लीजिए कर देते हैं 10%, इसको हमने परसेंटेज में कर दिया है, आप देख सकते हैं तो यहां पर परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आप इसको किसी भी सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कनेक्ट करेंगे इसी सेल के साथ, तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहां पर देखिए प्रोग्रेस आ गई है 40%। यहां पैरामीटर नेम के लिए शेप को हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके और इसको हम यहां पर प्लेस कर लेंगे और यहां पर पैरामीटर नेम चेंज कर देंगे, जो भी पैरामीटर का नेम है वो टाइप कर देंगे। यहां पर हम परसेंटेज कर देंगे 30। अब हमें यहां पर क्योंकि एक चार्ट और चाहिए तो इस चार्ट वाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां पर देखिए इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी द्वारा इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहां पर भी जीरो आ गया है क्योंकि अभी जिस सेल के साथ ये कनेक्टेड है P3 सेल के साथ, ये आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं और ये P3 सेल में अभी तक कोई भी परसेंटेज नहीं लिखा गया है। तो यहां पर भी हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। परसेंटेज हम यहां पर चेंज कर देंगे, 60 कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है। यहां पर भी हम पैरामीटर नेम टाइप कर लेंगे तो इसके लिए इसके एक और कॉपी कर लेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके और इसको यहां पर प्लेस कर लेंगे, पैरामीटर नेम चेंज कर देंगे। अब यहां पर देखिए सभी चार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें सभी का कलर चेंज करना है। ये फर्स्ट का कलर हम रहने देंगे सेम ही, सेकंड का कलर हम करेंगे रेड। तो यहां पर ये चार्ट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये जो रूल है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर सेम विंडो ओपन हो जाएगी और यहां से हम कलर चेंज करेंगे, यहां कलर रखेंगे हम रेड, बॉर्डर हम व्हाइट ही रहने देंगे। अब मान लीजिए हमें यहां पर ये जो डेटा लिखा है इस सेल में 30% ये नहीं चाहिए तो देखिए यहां शो बार ओनली के सामने बने चेकबॉक्स को चेक कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे, यहां से भी ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहां से जो परसेंटेज यहां पर लिखा हुआ था वो अब यहां पर शो नहीं हो रहा है और बार का कलर हो गया है रेड। अब यहां पर हम ये लाइट ग्रीन की जगह लाइट रेड कलर कर देंगे तो इसके लिए फिल पर जाएंगे, यहां से ये लाइट रेड कलर लेंगे, ये बॉर्डर को भी हम रेड करेंगे तो यहां बॉर्डर्स पर जाएंगे, मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए कलर लेंगे हम रेड और यहां पर इसको क्रिएट कर देंगे और यहां से ओके करेंगे तो यहां पर कलर हो गया है रेड बॉर्डर का और इस शेप को भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके कलर को भी हम यहां पर रेड कर देंगे। इसके कलर को मान लीजिए हम करेंगे ब्लू तो ये चार्ट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे
मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये रूल पर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कलर हम चेंज कर देंगे, यहाँ कलर लेंगे हम डार्क ब्लू। बॉर्डर हम सेम रखेंगे वाइट। और यहाँ पर हम डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी हम चेक करेंगे। अगर आप डेटा रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो इसको अनचेक ही रहने दें, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक पर रहता है। यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके कर देंगे। इसका भी कलर चेंज हो गया है, इसमें भी हम लाइट ब्लू कलर ले लेंगे, ये कलर ले लेंगे। बॉर्डर के लिए यहाँ बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें लेना है बॉर्डर ब्लू, तो यहाँ ब्लू कलर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्रिएट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर भी हो गया है ब्लू। इस शेप में भी हम यहाँ पर ब्लू कलर कर देंगे, एक फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ से ब्लू कलर कर देंगे। अब यहाँ से हम एक्सेल ग्रिड लाइंस को हटा देंगे। इसके लिए हम व्यू पर जाएंगे और ये ग्रिड लाइंस के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे तो ग्रिड लाइंस यहाँ से हट जाएंगे। अब यहाँ इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से रिसाइज कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए ये जो येलो आइकन है इसको पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से। शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल कर देंगे। शेप आउटलाइन पर जाकर हम कलर लेंगे यहाँ पर ग्रीन। फिर से शेप आउटलाइन पर जाएंगे और यहाँ वेट बढ़ा देंगे, 3 PT करेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी 2 copies और चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करके एक और कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी यहाँ पर तैयार हो गई है। सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ी हाइट इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। यहाँ इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्रोडक्टिविटी प्रोग्रेस, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे और सेंटर कर देंगे। शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे और यहाँ टेक्स्ट कलर हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर सेम कलर लेंगे ग्रीन। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करके इसको रखेंगे हम यहाँ पर, बस कुछ चेंज कर देंगे टेक्स्ट को। यहाँ पर कर देंगे हम कवरेज प्रोग्रेस, टेक्स्ट कलर को चेंज कर देंगे, यहाँ करेंगे हम रेड। कंट्रोल डी प्रेस करके एक और कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम कलर करेंगे ब्लू, टेक्स्ट को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर सभी प्रोग्रेस बार चार्ट क्रिएट हो गए हैं। इन चार्ट्स को आप एक्सेल डैशबोर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेल चार्ट की तरह। तो उसके लिए तरीका क्या है, मान लीजिए हमें यहाँ पर इन चार्ट्स को डैशबोर्ड पर लेकर जाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर ये चार्ट एरिया को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम एक और शीट इंसर्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें उन चार्ट्स को लेकर आना है तो यहाँ पर किसी भी सेल में हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे सभी चार्ट्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं। आप इनको एक एक करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड वाली शीट पर या जहां पर भी आपको जरूरत है, या फिर आप सभी को एक साथ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया है। यहाँ व्यू पर जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को हटा देंगे तो यहाँ पर ये बार चार्ट इस तरह से आ गए हैं। आप इनको कहीं भी मूव कर सकते हैं ड्रैग करके और ये अपने जो पैरामीटर हैं शीट वन पर परसेंटेज वाले उन सेल के साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। जैसे यहाँ पर अभी देखिए प्रोडक्टिविटी प्रोग्रेस है 40%, यहाँ शीट वन पर आएंगे और यहाँ पर मान लीजिए इसको कर देते हैं हम 90। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो परसेंटेज प्रोग्रेस हो गया 90%, सेम यहाँ पर भी ये 90% हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको बिल्कुल एक्सेल चार्ट की तरह डैशबोर्ड के लिए भी उपयोग कर सकते हैं इस टेक्निक से, जो टेक्निक अभी हमने बताई है। वापस शीट वन पर आ जाएंगे, एक बार यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए हम करेंगे 70। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 70% प्रोग्रेस शो हो गई है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके प्रोग्रेस बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।